तो दोस्तों ये आप जानते हैं, ये है सोसो का घर और यहाँ पर दादा और दादी जी जाने की बातें कर रही हैं। सुनो जी, घर कब तक चलना है? बहुत दिन हो गए, घर बार सब ऐसे ही पड़ा है गाँव में। हाँ हाँ, आज शाम तक ही निकल लेते हैं अपन लोग। अरे नहीं नहीं बाबूजी, आज शाम को तो नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ बाबूजी, एक दो दिन तो और रुकना पड़ेगा। हाँ दादाजी, मैं भी नहीं जाने दूंगी, अभी मेरी दादी से अभी और कहानियाँ सुननी है। हाँ जी, एक दो दिन और रुक जाते हैं, बच्चों के साथ बड़ा मन लगा हुआ है। लेकिन बहू तुम्हें ना एक दो दिन बाद फिर से मत करने लगना एक दो दिन और, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं हम लोगों को, अब वहाँ भी घर बार यूँ ही पड़ा है सारा। हाँ हाँ माँ जी, आप एक दो दिन में चली जाना, मैं नहीं रोकूंगी। तो माँ मैं भी अब खेत पर चलता हूँ। रजनी, मेरे जूते कहाँ हैं? जी वहीं चारे के आगे ही तो रख दिए मैंने, देखो ना आप। अरे हाँ वो रखे हैं, चलो मैं चलता हूँ। ठीक है चलो। और राजू जूते पहन कर। माँ जी आज खाने में क्या बना लूँ? बहू आज तो दाल बाटी बना ले और चटनी भी बना लेना। माँ जी तो मैं जल्दी जल्दी जाकर काम निपटा लेती हूँ। चलो भाई, तरबूज भी कट गया और रबड़ी भी बन गई, अब ज़रा माँ जी को बाबूजी को दे देती हूँ। और इतना कहकर रजनी अपने सास ससुर को तरबूज देने जाती है। माँ जी बाबूजी आप तरबूज खाइए, इतने में मैं रबड़ी ठंडी कर कर लाती हूँ। हाँ हाँ बहू ठीक है, हम लोग तरबूज खाते हैं, फिर तुम रबड़ी ले आना। और रजनी रबड़ी लेकर जाती है और इतने में ही राजू वापस आ जाता है। और रजनी राजू को देखकर घबरा जाती है कि इतने जल्दी वापस क्यों आ गए। जी आप इतने जल्दी वापस कैसे आ गए, और ये क्या हुआ, आपके हाथ में चोट लग गई, क्या हो गया? अरे मैं खेत पर गिर गया था तो मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट आई है। थोड़ी? ये थोड़ी है क्या, ये तो बहुत लग गई, जल्दी आओ। चलो चलो थोड़ा बैठ जाओ आप। अरे बेटे ये क्या हो गया, इतनी सारी चोट कैसे लग गई, बता जल्दी। अरे माँ कुछ नहीं, थोड़े ही तो लगी है। चल बैठ बैठ, जरा जल्दी यहाँ आकर बैठ। और फिर राजू को बैठा देते हैं। अरे बबुआ इतनी चोट कैसे लग गई? अरे बाबूजी कुछ नहीं, थोड़ी ही लगी है, शुक्र है जरा ही गिरकर और संभल गया मैं, हाथ में जरा सी चोट आई है बस। बेटा क्या डॉक्टर ने दवाई भी दी है? हाँ माँ दवाई ले आया, ये रही दवाई, पानी ला दो तो मैं दवाई खा लूँ और फिर थोड़ा लेट जाऊँ। हाँ बेटा बस तू दवाई खाकर आराम कर। बेटा पहले कुछ खा ले। हाँ बाजी बाबूजी खा लेता हूँ। पापा पापा मैं नीचे उतर रही हूँ, आप ऊपर लेट जाओ। हाँ बबुआ ऊपर आकर लेट। जी बाबूजी लेट जाता हूँ। और फिर राजू खाना खाने लगता है। बस मेरा पेट भर गया, अब मुझे दवाई के लिए खाना है। और फिर राजू दवाई खाकर सो जाता है। बाबूजी इनके हाथ में ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं बहू, थोड़ी ही चोट आई है, अगर ज्यादा आई होती तो वो खुद थोड़ी ना आता, तुझे पता नहीं है कितने अच्छे से आया, उसने खाना खाया, खुद दवाई ली। अगर ज्यादा चोट होती है तो वो ना दवा खा पाता और ना अच्छे से खाना खा पाता। हाँ हाँ बाबूजी मेरा तो मन घबरा रहा है बहुत कि कहीं ज्यादा तो नहीं लग गई। नहीं नहीं बहू बिल्कुल मत घबरा, मुझे पता है थोड़ी ही लगी है उसके। जी बाबूजी।